और कोई केमिकल भी डालते हो? और कोई भी डालते हो? उसमें से वो टंकी में से रस पड़ रहा है, वो इससे पाइप लग रही है, पाइप से इधर आता है, इसमें से इधर वापस वाल गोल तो उसमें भरता है, इसमें से वापस इसका मेल साफ हो जाता है, फिर सफाई करके इसमें लेते हैं, फिर इसमें डाल के गुड़ बन जाता है, फिर उधर लेके कंप्लीट हो जाता है। इसके गुड़ पाड़ने में क्या क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं, खाली इस भिंडी से मेल साफ करके इसका गुड़ सफाई कर देते हैं। भिंडी का पानी डालते हैं? हाँ, भिंडी का पानी। कोई केमिकल है? केमिकल कुछ नहीं डालते हैं। गुड़ बनाने में कितना टाइम लग जाता है? इसमें आधा घंटा लग जाता है गुड़ बनाने के अंदर, आधे घंटे में एक कड़ा हो जाता है। हाँ, एक कड़ा। और कितना ये जलाने के लिए आपके ये आता है काम? हाँ, यही काम आता है, यही घास बस। क्या गुड़ क्या भाव चल रहा है? भाव 30 रुपये किलो चल रहा है। दिन में कितने रुपये आप बनाते? 4-5 बार उतार देते हैं इसको। कितने रुपये हो जाता है दिन में? 30-35 रुपये हो जाते हैं कुछ के। अभी आपकी गन्ना क्या भाव आता है? गन्ना आता है 240 रुपये। 240 रुपये टोटल। कितने लोग यहाँ लगे हुए हैं? इसमें 8 आदमी लगे हुए हैं। हमने दूसरे बाहर के भी है और घर के भी हैं। मेहनताना देते हैं ना। गुड़ यहीं बिक जाता है, चित्तौड़ उदयपुर साइड इधर इधर ही लोकल बिक जाता है। बाहर हार कहीं नहीं ले जाते हैं, यहीं से बिक जाता है। किसान लोग यहीं से ले जाते हैं बस। कोई आते हैं सिटी का तो यहीं से ले जाते हैं बस। इसमें हो जाता है 3 लाख का खर्चा आ जाता है। आमदनी तो अपने 2000-3000 रुपये बच जाते हैं पूरे दिन के। सीजन तो ये अभी 1 महीने पहले से चालू हुआ है। हाँ, अभी 1 महीना और चलेगा बस, फरवरी तक चलेगा। धनराज डांगी देवरी।